दोस्तों, पैसा तो सबको ही प्यारा है, लेकिन सबको ये फ्री में चाहिए। ये टेंडेंसी जो है, ये मेंटेलिटी इंडिया में कुछ ज्यादा ही है। फॉरेन में क्या है, अब्रॉड में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि वहां पे लोग जो है किसी भी काम को करते हैं तो पूरी लगन से करते हैं, लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पे कमियां और खामियां ज्यादा निकाली जाती हैं। ये समझा जाता है कि जो दूसरा आदमी है वह मूर्ख है और हम ही खाली अकलमंद है। तो मेरे एक दोस्त ने जो है मेरे को एक रिकमेंडेशन दी, मेरे को कहते हैं कि पाई के ऊपर, यस पाई, पाई इज ए न्यू क्रिप्टो करेंसी हुज माइनिंग इज बीइंग डन ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस 180 कंट्रीज। लाखों लोग जो है इसकी माइनिंग में एट दिस मोमेंट लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। अगर आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, क्योंकि बिटकॉइन जो है सबसे सक्सेसफुल जो है वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। उसके बाद काफी सारी करेंसीज हैं। हर करेंसी की माइनिंग का तरीका अपना होता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित होती है। तो ये जो आपकी पाई करेंसी है, ये इसकी माइनिंग एट दिस मोमेंट चल रही है। ये जो पाई की जो कोर टीम है, इसको कौन लीड कर रहा है, स्टैनफोर्ड पीएचडी और वन स्टैनफोर्ड एमबीए, ये इस टीम को लीड कर रहे हैं। माइनिंग एट दिस मोमेंट चल रही है। अब लोगों को लग रहा है कि शायद ये क्या है, कोई स्कैम है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इट इज नॉट ए स्कैम, इट इज ए क्रिप्टो करेंसी एंड इट इज ऑल्सो नॉट ए फ्री मनी। ये कोई फ्री में पैसा नहीं है। कोई भी काइन जो उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि वो मार्केट में कितनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो इनके पीछे भी जो है, पाई के पीछे भी एक प्रोग्राम रन कर रहा है। अब पाई की सक्सेस का रीजन क्या हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले टाइम में पाई की सक्सेस का रीजन क्या हो सकता है। ये करेंसी फेल भी हो सकती है और ये किसी भी करेंसी से आगे भी निकल सकती है। इसकी सक्सेस का एक रीजन है कि इसकी माइनिंग जो है लोग अपने हैंडसेट पे, जो भी उनका एंड्रॉयड या आईफोन है, उस पर कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में शायद सबसे सक्सेसफुल करेंसी का दर्जा भी ले सकती है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या थी, पहले इंडिया में बैन हो गई, पूरे वर्ल्ड में इसके अगेंस्ट जो है रेजोल्यूशन शुरू हो गई। अब आस्ता आस्ता क्या हो गया, वो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं और जो ये आपके क्रिप्टो काइंस हैं, इनकी भी जो है मार्केट में वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है। माइट भी आने वाले 8 साल, 10 साल, 15 साल के बाद क्या हो, आपके यही कॉइन ही मार्केट में चलें, क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शन हैसल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज ने इनको मान्यता देनी शुरू कर दी तो यही कॉइन चलेंगे। दूसरा, अब आपके सवाल में ये दिमाग में ये सवाल रहा होगा कि कंपनी इसको फ्री में क्यों दे रही है। कंपनी फ्री में नहीं दे रही, कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ा रही है। जैसे ही उसका एक कोटा जो उनके दिमाग में है वो पूरा हो जाएगा, कंपनी जो है फर्दर इसकी माइनिंग क्या कर देगी, वो बंद कर देगी। फिर वो जो काइन जिन लोगों के पास होंगे उन्हीं में ही आपस में ट्रांजैक्शन होगी। मान लीजिए आपके पास काइन नहीं होंगे, आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप क्या करोगे, मार्केट में उससे वो काइन परचेज करके आप वो चीज बाय करोगे। जैसे आज लोग बिटकॉइन के साथ करते हैं, बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो रही है। आने वाले टाइम में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो पाई कॉइन है उसकी भी ट्रेडिंग हो। अब आपको एक दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैं इसको कैसे करूंगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। गूगल प्ले स्टोर से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है माइन पाई, फिर जो आपको रेफरल कोड लगाना है फेसबुक से या मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। उसके बाद जो आपको रेफर कर रहा है, जैसे मेरा रेफरल कोड है SUSHANTBAKSHI, जो मेरा नाम है वही मेरा रेफरल कोड है, वो रेफरल कोड अप्लाई कीजिए। या दूसरा रेफरल कोड है आर्यन बख्शी, ARYANBAKSHI, ऐसे ही ये दूसरा रेफरल कोड है। या जो भी आप जो आपको रिकमेंड कर रहा है उसका आप रेफरल कोड यूज कीजिए और आप जो है इस काइन को माइन करके अपने पास रख लो। अब क्या होगा कि अगर ये फेल ही हो जाए तो बिल्कुल देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये काइन ही फेल हो जाए या प्रोजेक्ट पूरा फेल हो जाए। उस केस में क्या होगा, उस केस में या कुछ नहीं होगा। आपने लगाया क्या है, आप इन्वेस्ट क्या कर रहे हो, दिन में मात्र 10 सेकंड आपने इस ऐप को अपने मोबाइल पे ओपन करना है और एक जो है थंडर आइकन है उसको क्लिक करना है।
वो आपने जब कर दिया तो आपके क्या हो गए, माइनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गए। उसके बाद आपने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ना है, फिर अब जो वो काइन माइन कर रहे हैं उसका भी आपको एक परसेंटेज का जो है 25% ऑफ देयर माइनिंग रेट वो आपको एडिशनल आना शुरू हो जाएगा। 3 दिन बाद आपका एक लेवल ओपन होगा कंट्रीब्यूटर का। कंट्रीब्यूटर में आपने जो आपके साथ आदमी जुड़े हैं, जो जिनको आपने लगाया है, आप उन कंट्रीब्यूटर में उनको करोगे, अब आपकी जो माइनिंग की स्पीड है वो डबल हो जाएगी। जैसे मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था, मैंने 15-20 आदमी लगाए, तो आज मेरी जो माइनिंग रेट है और जो मैंने काइन माइन कर लिए हैं दैट आर मोर देन 110 काइंस। और मेरे को आज की डेट में अभी जो करंटली मेरा चल रहा है वो 2 पाई पर आवर की स्पीड से जो है मेरी माइनिंग चल रही है। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि 2008 में बिटकॉइन की क्या वैल्यू थी, उसकी वैल्यू भी 0 थी। यस, बिल्कुल 0। वो उसके बाद जब यूज में आया, जब उसकी ट्रेडिंग हुई, जब वो सक्सेस हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, वो इतनी स्पीड से भागा कि लोग देखते ही रह गए। आज भी एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है, वो तकरीबन 7-8-9 लाख रुपए, 10 लाख इसी रेंज में घूम रही होती है, लेकिन पीछे ये तकरीबन 18-20 लाख रुपए तक भी एक कॉइन गया था। यस, अब आपके दिमाग में और भी एक बात आ रही है, मेरे कई दोस्तों ने ये पॉइंट आउट भी किया, वो कहते हैं कि अगर मान लो कि ये क्या है कि हमारे फोन से डाटा चोरी करेगी, तो मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं कि डाटा के साथ किसी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल में ऑलरेडी 50 एप्लीकेशनें होंगी, वो 50 एप्लीकेशनें आपसे परमिशन लेती हैं आपकी फोन बुक को एक्सेस करने के लिए, आपकी जीमेल को एक्सेस करने के लिए, आपके जो अकाउंट होता है ईमेल वाला उसको एक्सेस करने के लिए, ये आपसे किसी चीज की परमिशन नहीं मांगेगी। आपने अपना फेसबुक से कीजिए, फेसबुक से ये वेरीफाई हो जाएगी एप्लीकेशन, और उसके बाद क्या, ये अपनी माइनिंग स्टार्ट कर देगी, और इसको आपके फोन से कोई लेना देना नहीं है, कोई फोन बुक सेस नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं सेस करेगी। आरोग्य सेतु ऐप हर हिंदुस्तानी ने अपने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है, या आपने और भी कई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड की हैं जो आपसे पूरा डाटा आपका सेस करती हैं। आपको उनसे डर नहीं लग रहा, लेकिन इससे क्या लग रहा है, डर लग रहा है क्योंकि आपके काइन जो है वो फ्री में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब मेरी एडवाइस क्या है, जो पर्सनल मैं आपको एडवाइस ये देना चाहता हूं, मान लीजिए 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो भी टाइम लगेगा, 2 मिनट के लिए मान लो कि ये कॉइन जो है सक्सेसफुल हो ही गया, ये दूसरा बिटकॉइन बन जाता है, क्योंकि किस्मत और भाग्य का कोई पता नहीं होता। ये जो मुकद्दर की लकीरें है ना, लॉटरी है, ऐसे ही लगती है, कोई पता नहीं। अगर ये दूसरा बिटकॉइन बन गया और आपके पास ये 100-200-500 हजार काइन माइन होके पड़े रहे, तो आपका या आपके बच्चे का या जो फ्यूचर है वो कितना सिक्योर होगा, इस चीज का आप जो है अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इससे पहले कि ये जो फ्री काइंस हैं ये खत्म हो जाएं, मेरा आप सबको ये एडवाइस है, मशवरा है, सलाह है कि आप भी जो है अभी इसको ज्वाइन करो, इसको छोड़ो मत, अभी ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद क्या है, इस प्रोसेस में एक्टिवली एंगेज हो जाओ। भाइयों, अगर गोरे साहब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। अगर ये वर्ल्ड की 180 कंट्रीज में चल रहा है और लाखों आदमी इसको माइन कर रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। अगर तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट हो रही होती तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, काइन की माइनिंग करनी है। वो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि इसको माइन करके कुछ काइन कलेक्ट करके 10-20-50-100-200-500 जो भी अकुमुलेट कर सकते हो वो करके रख लो, जब तक ये फ्री काइन अवेलेबल है। और क्या पता आपकी लॉटरी निकले जो कल को आपके या आपके बच्चे के नाम पे आए। आपने सुना होगा कि जो स्टॉक मार्केट में लोग प्ले करते हैं कि मैंने फलां शेयर 10 रुपए का लिया, मेरे बाप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 रुपए का इन्वेस्ट किया, उससे उसको 1 करोड़ रुपया मिल गया, ये फलाना हो गया, वो क्या लगा उनको 15 साल 20 साल 30 साल लगे। तो अगर आपको ये आज की डेट में एक चांस मिला है कुछ काइन माइन करके फ्री में इकट्ठे करने का, तो आप क्या कर रहे हो, आपने दिमाग में आपने बत्तियां खोल दी हैं और आप अपने एंगल से सोच रहे हो। सब कुछ सोचना बंद कर दो। मेरी एडवाइस ये है कि
आप जो है इसको माइंड करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी मैं आपको खत्म करने से पहले बता दूं, फोन से कोई भी ट्रांजैक्शन होती है कुछ होती है, क्योंकि ये जो एप्रीहेंशन है कई लोगों ने ये भी जाहिर किया कि ये कल को फोन में हमारे एंटर कर लेंगे और हमारे जो सारे अकाउंट्स की डिटेल जो है वो ले लेंगे या हमारे फोन से जो अकाउंट से पैसे सारे ट्रांसफर कर देंगे। तो भाइयों जब तक आपके फोन पे ओटीपी नहीं आता, किसी से आप शेयर नहीं करते, कोई ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं हो सकती। ये शायद आपने खुद भी नोट किया होगा। तो मुझे लगता है कि अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई शंका हो, कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां पे आपको जो है उन सवालों का जवाब भी दूंगा। मेरी एडवाइस ये है कि अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, क्या पता परमात्मा ने अगर कभी आपकी भी ऐसी कोई लॉटरी लगा दी, कुछ काइन आपके पास भी पड़े हुए, और अगर ये दूसरा बिटकॉइन कोई साबित होगा तो उसमें क्या होगा, आपकी आपके खानदान की बहुत बड़ी लॉटरी लग जाएगी, इतनी बड़ी कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि सारे बिटकॉइन खत्म हो, मेरी आपसे एडवाइस है कि आप इसकी जो है जरूर माइनिंग में पार्टिसिपेट करो। तो उम्मीद है कि ये चंद्रमोहन जी आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप अपने सर्कल में भी इसको शेयर करना, मेरे सभी दोस्त अपने सर्कल में इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका फायदा उठा सके। आप खुद माइंड करो या ना करो, किसी बंदे की हेल्प भी कर दो ये वीडियो दिखा के, ताकि क्या पता उसके दिमाग में कुछ आ जाए और वही माइनिंग में लग जाए और शायद उसका फ्यूचर भी चेंज हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि इससे हमें कुछ बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन अगर किस्मत में हुआ, मैं फिर बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं लॉटरी, शायद ये कोई लॉटरी प्रूव हो जाए। मैं दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको और हम सबको जो है बिटकॉइन की इसकी पाई कॉइन की माइनिंग से फायदा हो। जय हिंद।